अगर आप इस दिवाली के लिए नमकीन या फरसान बनाने की सोच रहे हैं और हर साल का वही सेम फरसान खाकर बोर हो गए हैं, तो इस साल दिवाली पे नए फ्लेवर वाली चटपटी और बाजार जैसी पापड़ी ज़रूर बनाएं। इस नए फ्लेवर वाली चटपटी पापड़ी को खाकर आपके घर के लोग खुश हो जाएंगे, और अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आप उसे ये पापड़ी खिलाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पापड़ी को बनाना। ये पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें बनाना है हमारी पापड़ी को नया फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए हरी चटनी, और ये चटनी बहुत ही सिंपल है और मज़ेदार है। चटनी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे पालक और पुदीना। यहाँ मैंने पालक और पुदीना अच्छे से साफ करके धो के रखा है। हमें यहाँ सिर्फ दोनों के पत्ते ही लेने हैं। पालक के पत्तों को मैंने डंठल के साथ नहीं लिया है, जो बड़े बड़े इसके डंठल होते हैं और रेशे होते हैं वो निकाल लिए हैं। इसके डंठल निकालने से और रेशे निकालने से चटनी हमारी अच्छे से बनेगी और एकदम फाइन पेस्ट बनेगा। और मेरे पास पालक के बड़े बड़े पत्ते थे तो मैंने इसे ऐसे तोड़ के लिया है। पालक और पुदीने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें। आपको जितनी चटनी या प्यूरी बनानी है आप उसके हिसाब से सभी रेशों में ले लें। पापड़ी का जितनी क्वांटिटी आपकी रहेगी या जितना आप बेसन यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, जितना डो बनाने वाले हो, उसके हिसाब से सभी चीज़ें आप यहाँ लें। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में अभी सभी चीज़ें डाल के हमें चटनी बना लेनी है। अब मिक्सर जार में सभी पालक और पुदीना ले लेना है। मैंने यहाँ पे सभी पालक और पुदीना ले लिया है, जितना मैंने यहाँ पे लिया था आपको दिखाया था। मेरी डो की क्वांटिटी उतनी रहने वाली है, उसके हिसाब से मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे ली है। पालक के हिसाब से पुदीना आप थोड़ा ज़्यादा ले, उसका फ्लेवर अच्छा आता है और एकदम बिल्कुल चटपटा और फ्लेवरफुल पापड़ी हमारी बनती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही धनिया लिया है। धनिया हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, धनिया से हमारे जो पुदीना और पालक का फ्लेवर है थोड़ा सा दब जाएगा, इसलिए धनिया थोड़ा सा यूज़ करना है। यहाँ लेना है लहसुन। लहसुन की 15 से 20 कलियाँ मैंने यहाँ पे ली है। लहसुन का थोड़ा सा लहसुनी फ्लेवर अच्छा लगता है पापड़ी में, इसलिए लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले। अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद नहीं है तो लहसुन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। ये मैंने 4-5 हरी मिर्च ली है। ये तीखी वाली मिर्ची है, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पापड़ी हमारी हरे कलर की बनानी है, इसलिए मैंने भी मिर्ची यहाँ पे हरी ही ली है, इससे कलर अच्छा आएगा। हमें यहाँ लाल मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं करना है, इसलिए मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। अब इसकी अच्छे से मैं फाइन प्यूरी बना लेनी है। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। चटनी बनके यहाँ पे हमारी तैयार है। इस तरह से हमें चटनी को अच्छे से पीस लेना है। चटनी में लहसुन या मिर्ची के टुकड़े नहीं रहने चाहिए, उससे पापड़ी बनाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है या पापड़ी हमारी सांचे में से अच्छे से निकलेगी नहीं। आपको अपने हिसाब से पानी डाल के चटनी को अच्छे से स्मूथ से पीस लेना है। तो चटनी हमारी यहाँ पे रेडी है। अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है, आप चाहे तो मिक्सिंग बाउल में आपको जिसमें ये डो बनाना है। अभी मैंने यहाँ पे 300 से 400 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से मैंने छान के लिया है। बेसन में मॉइस्चर की वजह से गुठलियाँ तैयार हो जाती है, तो हमें बेसन को अच्छे से छान के लेना है ताकि डो हमारा अच्छे से एकदम स्मूथ बने और उसमें गुठलियाँ ना रहे। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी बेसन लिया है। ये 300 से 400 ग्राम बेसन है। आप अपनी बेसन की क्वांटिटी अपने हिसाब से लें। आपको जितनी पापड़ी बनानी है उसके हिसाब से ही आप सभी इंग्रेडिएंट्स लें। मैं यहाँ पे साथ में ले रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पापड़ी हमारी क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे से क्रिस्पी रहेगी, जल्दी से नरम नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं या बेसन की ही पापड़ी बना सकते हैं। 3/4 कप चावल के आटे से मैंने थोड़ा सा ही आटा निकाल के रख दिया है। अभी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल के आटे और बेसन को अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे हल्दी डाल देनी है। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है। अभी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हींग लिया है। हींग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे तो अच्छा रहेगा, पापड़ी में उतना अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। हींग डाल देंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही डालनी है। नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे और एक इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ, तो वो भी चटपटा रहने वाला है, उसमें भी नमक होगा। अभी मैंने यहाँ पे लिया है हमारा टेस्ट मेकर सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी चाट मसाला। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चाट मसाला लिया है। इससे हमारी पापड़ी में बहुत ही बढ़िया चटपटा सा फ्लेवर आएगा और खाने में बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अभी मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन लिया है।
अजवाइन को ऐसे हाथ पे लेके थोड़ा सा मसल लेना है ताकि उसका फ्लेवर ज़्यादा निखर के आए पापड़ में हमारे। अजवाइन भी यहाँ पे डाल देना है। अभी सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। ये सब चीज़ें मैंने जो डाली है उससे पापड़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। एक भी चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो पापड़ी हमारी अच्छी बनेगी नहीं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच तेल अच्छे से गरम करके लिया है। आप देख सकते हैं तेल कितना हमारा गरम है। ऐसे ही तेल हमें गरम करना कर लेना है। जैसे ही हम बेसन पे तेल डालेंगे तो बेसन हमारा ऐसे फूलने लगेगा। अभी चम्मच की मदद से हमें बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि तेल हमारे यहाँ पे गरम है तो हाथ में चटका लग सकता है। मैंने थोड़ा सा तेल बचा के रखा है। सब बेसन को मिक्स करने के बाद मैं ये तेल डाल दे रही हूँ जो बचा हुआ था। अभी बेसन और तेल को हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमें तेल को गर्म करके ही डालना है तभी पापड़ी हमारी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। ठंडा अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला तेल डालते हैं तो पापड़ी हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तेल हम लोगों ने यहाँ पे गरम डाला था तो मिक्सर को अभी हमें 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। 2 मिनट हो गए हैं, मिक्सर हमारे यहाँ पे ठंडा हो गया है। अभी इस मिक्सर को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है और चेक करना है कि इस तरह से इसका शेप ऐसे बनता है कि नहीं। अगर इसका शेप ऐसा नहीं बनेगा तो पापड़ी हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो हमारा पापड़ी का मिक्सर यहाँ पे तैयार है। अभी हमें यहाँ पे चटनी डाल देनी है। जो चटनी हम लोगों ने बना के रखी थी वो थोड़ी थोड़ी करके चटनी हमें डाल के इसका डो बना लेना है। पहले थोड़ी चटनी हम लोग यहाँ पर डालेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ चटनी से ही हमें इसका एक डो बना लेना है। सिर्फ चटनी से ही हमें इसका डो बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चटनी डाल के बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ चटनी के साथ। हमें एकदम से एक साथ पूरी चटनी नहीं डालनी है, नहीं तो चटनी हमारी ज़्यादा हो जाएगी और बेसन कम पड़ जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े करके ही डाल के हमें इसका डो बना लेना है। जैसे जैसे चटनी डाल के हम लोग इसका डो बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया प्यारा लगेगा डो हमारा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अभी चिपचिपा है तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे थोड़ा सा चिकना बना लेंगे। यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं लगाना है हाथों को, नहीं तो फिर से और ज़्यादा चिपचिपा बनेगा। और तेल लेंगे तो वो अच्छे से चिकना और स्मूथ बनेगा। तेल डालने के बाद अच्छे से इसको ऐसे थोड़ा सा गूंथ लेना है तो एकदम ये शेप में आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं डो हमारा कितना बढ़िया रेडी बन के तैयार है। बहुत ही प्यारा और हरे कलर का लग रहा है। इस तरह से एकदम ज़्यादा ना सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी में हमें डो गूंथ लेना है। अब इस डो को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेना है। 15 से 20 मिनट बाद चेक कर लेते हैं डो हमारे यहाँ पे और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होगा। इसे फिर एक बार थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। पहले से डो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और ये थोड़ा सा स्मूथ भी हो गया है। इससे पापड़ी हमारी थोड़ी सी अच्छी बनेगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से एक बार गूंथ लेना है तो डो यहाँ पे हमारा रेडी है। हम लोगों ने यहाँ पे जो स्पेशल चटनी बनाई थी उससे ही यहाँ पे अभी से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और डो भी इतना ऐसे प्यारा लग रहा है, बिल्कुल हरे हरे कलर का। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो रेगुलर हम लोग चकली और सेव बनाते हैं वही साँचा लिया है। उसमें 6 टाइप की डिजाइंस होती है। आप इससे सेव और पापड़ी दोनों बना सकते हैं इस डो से। आपके पास जो भी डिज़ाइन का साँचा है आप ले ले। मैंने यहाँ पे पापड़ी की प्लेट ली है। अब इसे अंडर डाल के अच्छे से ग्रेस कर लेना है। पानी का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। पानी से हमारा डो साँचे में और चिपकने लगेगा और तेल से नहीं चिपकेगा। तेल से साँचे को मैंने अच्छे से ग्रेस करके लिया है। अभी ये रेडी है। अभी हमने जो पापड़ी का डो बनाया है उसका ऐसे सिलेंडर का शेप में हमें यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा छोटा डो बना लेना है। जैसे हमारा साँचे का साइज है उसके हिसाब से हमें ऐसे डो ले लेना है और यहाँ पे ऐसे डाल देना है। इसे थोड़े से हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि बीच में हमारी गैप ना रहे और पापड़ी हमारी अच्छे से निकल जाए। अगर एक्स्ट्रा डो होता है ऊपर आता है तो आप उसे निकाल ले, नहीं तो ढक्कन हमारा अच्छे से फिट नहीं बैठेगा और ढक्कन में से भी डो हमारा निकलने लगता है साइड में से। तो ऊपर की लेयर में से 1/2 इंच तक हमें कम ही डो भरना है। अभी ढक्कन अच्छे से लगा लेना है। ध्यान रखें कि ढक्कन हमारा अच्छे से लगे, नहीं तो साइड में से हमारा डो निकलने लगता है। अभी तेल को हमने अच्छे से अंदर से ग्रीस कर लिया था तो हमें हाथों में और ऊपर भी तेल लग सकता है और साँचा हम लोग जब तेल में पापड़ी डालेंगे तो हाथ से फिसलने का डर रहता है, इसलिए हमें अच्छे से पोंछ लेना है साँचे को बाहर से। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है।
तेल को हमें मीडियम गैस पे गरम करना है, ना ज़्यादा गरम करना है ना कम गरम करना है। अगर तेल हम ज़्यादा गरम करेंगे तो पापड़ी डालते ही हमारे पापड़ी का कलर चेंज हो जाएगा। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही ले ताकि पापड़ी हमारे अच्छे से यहाँ पे डूब जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। बिल्कुल अच्छे से आराम से हमें पापड़ी यहाँ पे डिमोल्ड कर लेनी है। आपकी कढ़ाई अगर बड़ी है तो आपके पापड़ी के साइज़ के घेरे बड़े हो जाएंगे, बट हमारी कढ़ाई मीडियम साइज़ की है तो उसके हिसाब से ही हम लोग पापड़ी को डिमोल्ड करेंगे। हमें एकदम बिल्कुल ज़्यादा पापड़ी नहीं डालनी है एक साथ, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होगी। याद रखें इस स्टेज पे गैस फ्लेम हमें लो रखना है। अगर ज़्यादा हम लोग गैस फ्लेम हाई करेंगे तो पापड़ी का हमारा जो ओरिजिनल कलर है वो चेंज होने लगेगा और पापड़ी हमारी रेड कलर में आ जाएगी, और ये जितने हम लोगों ने चटनी बनाने में मेहनत की है वो हमारी मेहनत सब पानी में जाएगी। पापड़ी हमें 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से और फिर बाद में इसे पलट के ऐसे दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो। गैस फ्लेम अभी धीमा ही रखना है। आप देख सकते हैं पापड़ी का कलर कितना बढ़िया प्यारा आ गया है। धीमी गैस पे हम लोग इसे फ्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल कलर सेम ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे पापड़ी हमारी फ्राई होकर तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी पापड़ी हमारी यहाँ पे तैयार है। इसी तरह हमें सारी पापड़ी को फ्राई करके रेडी कर लेना है। पापड़ी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। जो हम लोगों ने यहाँ पे चटनी यूज़ की थी वो चटनी का तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया निखर के आया है। पुदीना का और लहसुन का फ्लेवर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि दिवाली के प्रसाद में क्या बनाएं तो इस नए टाइप की नए फ्लेवर की चटपटी पापड़ी को ज़रूर बनाएं। आपके घर के लोग इसे ज़रूर पसंद करें और बच्चे भी खासकर इसे पसंद करेंगे। रेगुलर पीली पापड़ी से ये पापड़ी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये पापड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ट्राई करें, घर में ज़रूर बनाएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे पर कमेंट शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।